मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल के तीन लोग थे, नेक आदमी थे, सफर पे जा रहे थे तो बारिश तेज आ गई। सही बुखारी की हदीस है, तेज बारिश आई, एक गार में पना ली बारिश से बचने के लिए। अचानक तूफान आया तो एक पत्थर लुढ़क कर गार के मुंह के आगे गिर गया, अंधेरा छा गया अंदर, अंधेरा, तूफान है, परेशानी है। मेरे हबीबे पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, जब अंधेरा दम घुटने लगा, अंधेरा होने लगा, परेशान होने लगे, एक बोला, कहने लगा, अगर जिंदगी में कोई नेक काम किया है तो उसको याद करके दुआ मांगो, अल्लाह करे हमसे कोई नेक काम हो जाए। जो होते हैं उसमें भी रियाकारी होती है, उसमें भी मिलावट होती है। कोई नेक किया है तो दुआ मांग लो। एक ने हाथ उठाए और दुआ कैसे मांगी, अल्लाहु अकबर, अर्ज करने लगा, है अल्लाह तू जानता है मैंने बकरियां रखी हैं, मैं दूध धो के बेचता हूं, मेरे बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, औलाद भी है, और मेरे पास लोग दूध खरीदने भी आया करते थे, पर अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप है, अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी का तरीका बनाया है, जब तक अब्बा जी दूध नहीं पिएंगे किसी को नहीं मिलेगा, जब तक मेरी बूढ़ी माँ के लबों से दूध नहीं लगेगा किसी को नहीं मिलेगा। ए अल्लाह वो रात भी तू जानता होगा जब मैं देर से आया, दूध धोया तो माँ बाप सो चुके थे। अर्श के मालिक तू भूला नहीं करता, तू भूलने से पाक है, मेरे रब मैं दूध का प्याला लेके सारी रात खड़ा रहा माँ बाप के सराहने, ना मैंने दूध बेचा ना मैंने बच्चों को दिया, आधी रात के बाद उनकी आंख खुली, उन्होंने दूध पिया, ऐ अल्लाह मेरी अम्मा भी मुझसे बड़ी राजी हुई, मेरा बाप भी बड़ा राजी हुआ। मालिक अगर वो अमल वाकई तुझे कबूल है तो इस मुसीबत से निजात दे दे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, उसने ये वसीला दे के दुआ मांगी तो अल्लाह ने पत्थर सिरका दिया, पहले रोशनी नहीं आ रही थी, अब रोशनी आनी शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। पता चला जो जिंदगी में रोशनी चाहता है वो माँ बाप की नौकरी करे, जो जिंदगी में रोशनी चाहता है वो माँ बाप की बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना है, और जेड़ा घर बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं, इनकी नौकरी करो रोशनी मिलेगी। दूसरा बोला, उसने कहा अल्लाह तुझे पता है मैंने कई लोग मजदूरी पे रखे हुए हैं, एक शख्स मजदूरी करता था तो कुछ किलो कुछ शेर चावल, कुछ चावल उसकी मजदूरी बने, मिसाल देके समझाता हूं, 10,000 के चावल उसकी मजदूरी बन गए, मैंने उसको कहा मजदूरी ले ले तो वो नाराज होके चला गया, चला गया नाराज होके, लेकिन ए अल्लाह मैंने उसका माल खाया नहीं, मैंने मजदूर का हक रखा नहीं, ए अल्लाह मैंने 10,000 अलहदा कर दिया, वो चावलों की कीमत मैंने अलहदा कर दी, जब मैं कारोबार करता तो मैंने उसका पैसा इन्वेस्ट कर लिया, फिर उस पैसे से मैं कमाता रहा कमाता रहा। एक वक्त आया कि जमाने बीत गए, वो 10,000 10 लाख या जो समझ ले 10 करोड़ हो गया, कई गायें कई ऊंट कई प्लाट आ गए। ऐ अल्लाह कई जमाने के बाद वो मजदूर लौटा और कहने लगा, साहब मैं गरीब हो गया हूं, तंग दस्ती आ गई है, बूढ़ा हो गया, वो मेरे पैसे तो दे दे। तुम ऐ अल्लाह मैं बेईमान नहीं हुआ, एक रत्ती बराबर भी मेरे दिल में मैल नहीं आई, मैंने कहा ये इतनी दर्जन गायें तेरी, ये ऊंट तेरे, ये प्लाट तेरे। वो कहने लगा तू मुझसे मजाक करता है, मेरे तो थोड़े से चावल थे, यूं समझ ले 10,000 के, और इतना कुछ। मैंने कहा वो तेरे पैसे, तू नाराज होके चला गया, मैंने ढूंढा तो मिला नहीं, वो तेरे पैसे मैंने इन्वेस्ट किए तो आज ये सारा सरमाया उसी का है। अल्लाह वो बूढ़ा मजदूर जब इतनी गायें मिली इतने ऊंट मिले इतने उसे प्लाट मिले तो वो रोता दुआएं देता गया, ए अल्लाह अगर तुझे मेरा वो अमल काबिले कबूल है तो इस मुसीबत से निजात अता फरमा। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, पत्थर थोड़ा और हट गया, अब तीसरा बोला, अमल का वसीला दे के ओ भाई, कोई अमल बचा के रख, कुछ कर ले, कुछ जिंदगी में इकट्ठा कर ले, कोई तो ऐसा अमल हो जब कयामत आए तो तू मुसीबत से बच सके, तू कब्र में मुसीबत से बच सके, तू दुनिया में मुसीबत से बच सके। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तीसरा बोला, कहने लगा ए अल्लाह तू जानता है मैं जवान, मैं राना, मैं हसीन, मुझे औरतें दावत देती थी अपनी तरफ मायल करती थी, लेकिन मैं किसी पर ना देखता, बस एक चचा की बेटी पे मैं आशिक हो गया, उसके मैं करीब जाने लगा, बुलाने लगा, 100 दिनार भी इकट्ठे किए उसको देने के लिए। एक ऐसा वक्त आया कि वो राजी भी हो गई, ए अल्लाह तन्हाई भी आ गई, यूं समझ लो
कि मैं जवान भी हसीन भी मालदार भी, मैं चाहूं तो एक एक दिन में चार चार दफा मैं बदकारी कर सकता था। ऐ अल्लाह, सारी खूबियां थी। वो बीबी मेरे पास आई, कमरा तन्हाई, कोई देखने वाला नहीं था। जब मैं उसके करीब जाने लगा तो वह औरत कहने लगी, तू रब से डर जा, रब से डर जा, रब से डर जा। ऐ अल्लाह, ताकत भी, जवानी भी, हुस्न भी, माल भी, मैं सब कुछ कर सकता था पर तेरे लिए। और अगर मुसलमान होगा तो कहेगा, ऐ अल्लाह तेरे रसूल के लिए, अल्लाह, ऐ अल्लाह मदीने वाले चांद की बात मान के, ऐ अल्लाह आमिना के मासूम की बात मान के, ऐ अल्लाह जनाबे फातिमा ज़हरा के अप्पा की बात मान के। मैंने अपने नफ्स की ख्वाहिश को कुचला और कुचल करके मैंने वो गुनाह नहीं किया, उसको आजाद कर दिया। अगर वो अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो निजात दे दे। मेरे नबी पाक फरमाते हैं, बस दुआ खत्म हुई तो अल्लाह ने पहाड़ दूर फेंक दिया, अल्लाह ने निजात दे दी। अल्लाह करे मेरी मिल्लत के जवान को भी ये नेकी नसीब हो जाए। अल्लाह करे माँ बाप की खिदमत करने वाले बन जाए। अल्लाह करे हम मजदूरों का हक देने वाले बन जाए। अल्लाह करे हम बेईमानी धोखेबाजी को छोड़ दें। अगर कोई ऐसा अमल होगा तो अल्लाह दुनिया में भी निजात देगा मुश्किलों से, कब्र में भी अल्लाह निजात अता फरमाएगा, कयामत में भी। अल्लाह अमल का वसीला देना रब की बारगाह में जायज है, बोलिए जायज। अल्लाह के नामों का वसीला देना जायज है, जायज है। कोई भी इबादत अगर खुलूस के साथ की जाए, मेरे नबी पाक ने फरमाया, फर्द नमाज पढ़ के तू जो दुआ भी मांगेगा रब तेरी कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। फर्ज नमाज पढ़ के जो दो दुआ भी मांगेगा अल्लाह तेरी कबूल फरमा, इसका मतलब है अमाल की बरकत से अल्लाह दुआएं कबूल करता है, करता है। अल्लाह दुआएं कबूल करता है। बस फिर वही दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें खुलूस वाले अमल की तौफीक अता फरमा, आमीन। अच्छा, अगर ये वाला वसीला जायज है तो बताइए नबी पाक का वसीला जायज नहीं? जायज। अमल में तो कोई कोताही हो सकती है, लेकिन हुजूर की वजाहत में कोई कोताही हो सकती नहीं।